भारतीय जनता पार्टी का विवादास्पद नेता तेजिंदर बग्गा, जिसे आज सुबह पंजाब पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया था, बीच रास्ते में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक शिकायत पर उन्हें रोका और आखिरकार पंजाब पुलिस को उन्हें वापस हरियाणा पुलिस के सुपुर्द करना पड़ा। फिर दिल्ली पुलिस उन्हें वापस ले आई दिल्ली की तरफ। यह पूरा मामला क्या है और इससे किस तरह से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जानते हैं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ये वीडियो जिसमें दिखाई दे रहा है जबरदस्त ड्रामा। मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक विवादास्पद नेता तेजिंदर बग्गा, उसे पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके पंजाब लिए जा रही होती है। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को शिकायत करके बोलती है कि तेजिंदर बग्गा को किडनैप कर लिया गया है। नतीजा, कुरुक्षेत्र के इस पेट्रोल पंप पर हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है, उनके कार्रवाई को रोक लेती है, जिसमें तेजिंदर बग्गा मौजूद होता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 8 साल के मोदी और अमित शाह के राज में ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस आपस में भिड़ गई है, कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति को उठाकर ले जाती है? ऐसा क्या हो गया दोस्तों? और बात यहां पर सिर्फ हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के बीच में एक बैठक करवाते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद असम और मिजोरम के बीच में अप्रत्याशित टकराव होता है। नतीजा, इस खबर के मुताबिक करीब 6 असम पुलिस वाले मिजोरम के साथ टकराव में मारे जाते हैं। बाद में असम और मिजोरम की सीमा पर इस कदर तनाव हो जाता है मानो इंडिया और चाइना हो। यह सवाल है और यह गलत सवाल नहीं है कि गृहमंत्री अमित शाह के निजाम में ऐसा क्या हो रहा है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से भिड़ रही है, एक राज्य दूसरे राज्य से भिड़ रहा है। हम तो एक देश है ना, और इस देश की ताकत रही है इसका संघीय ढांचा। ये संघीय ढांचा इस कदर बिखर क्यों रहा है? मैं जानता हूं आप लोग सवाल कर रहे होंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को उठाया जाना सही है। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा जिस पर मैं आपके जवाब चाहता हूं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तेजिंदर बग्गा को किडनैप करके पंजाब पुलिस दिल्ली से जो है पंजाब ले जा रही थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इन चेहरों पर गौर किया जाए। दिशा रवि को बेंगलुरु से उठाकर दिल्ली ले जाया गया था, दिल्ली पुलिस द्वारा जेल में रखा गया था। अदालत ने बाद में उनको रिहा कर दिया। इन पर आरोप था कि इन्होंने देश के खिलाफ एक टूल किट का प्रचार प्रसार किया, वो टूल किट जो पहले ही सार्वजनिक तौर पर मौजूद था। अब दिशा रवि को पुलिस परेशान नहीं करती क्योंकि वो केस ही इतना बकवास था। तो भाजपा से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दिशा रवि को भी किडनैप किया था दिल्ली पुलिस ने? फिर दूसरे नाम पर गौर कीजिए, जिग्नेश मेवानी को एक ट्वीट करने के आरोप में, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील कर रहे थे कि गुजरात जाके सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस गुजरात से ले जाती है, जेल में रखती है, अदालत उन्हें रिहा कर देती है कि मामला बकवास है। फिर बारापेटा पुलिस एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, अदालत फिर कहती है कि पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं है, जिग्नेश मेवानी को रिहा कर दिया जाता है। अब एक अदालत ने उन्हें 3 महीने की सजा सुना दी है एक रैली निकालने के आरोप में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जिग्नेश मेवानी को भी किडनैप किया गया था बीजेपी? इसके बाद तमिलनाडु का एक व्लॉगर, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की होती है, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्या उसे भी अगवा किया जाता है? और वरवरा राव, इन्हें तेलंगाना में गिरफ्तार किया जाता है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, क्या उन्हें भी अगवा किया जाता है? और अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग खबर है
क्योंकि आज तो आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर पुलिस का दम या पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करना बीजेपी के खिलाफ। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, 13 आप MLAs booked in 2 years, दिल्ली पुलिस फेस कोर्ट रैप ओवर अरेस्ट। मुद्दा क्या है कि आम आदमी पार्टी के 13 MLAs को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनमें सिर्फ 2 ही मामलों में केस ठहरा, बाकी सबको बेल मिल गई और कोई मामला ही नहीं था। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि आप वाहियात मामलों में लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के कम 23 नेताओं विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने टारगेट किया था। आपके सामने कोर्ट का फैसला है भाई, पढ़ के सुना देता हूं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। An HT investigation into the court papers of cases against the 13 AAP legislators show that the police are struggling to explain the charges, in most cases earning court's ire for shoddy investigation. Police ye bata hi nahi pa rahi hai ki humne un 13 logon ko kyu giraftar kiya tha ya un 11 logon ko kyu giraftar kiya tha, aur police ko phatkar laga rahi hai adalat ki aapka jo investigation hai wo puri tarah se vahiyat hai। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पता चलता है कि जब आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे आपके सामने हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग मुझसे कहेंगे कि भाई तेजेंद्र बग्गा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया आप उसकी आलोचना कीजिए। कौन है तेजेंद्र बग्गा? तेजेंद्र बग्गा भारतीय जनता पार्टी का एक विवादास्पद नेता है। ये वो आदमी है जो प्रशांत भूषण केस में जब उनकी पिटाई हुई थी, जब उनका असॉल्ट हुआ था, उसमें आदमी आरोपी था। सोशल मीडिया में एक लड़की ने इसके खिलाफ एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। ये वो आदमी है दोस्तों जो NDTV के दफ्तर के बाहर पहुंच गया था पत्रकार रवीश कुमार को परेशान करने। कुछ दिनों पहले इसने सोशल मीडिया पर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की थी, गालियां दी थी। तो मुझे हैरत नहीं है इस बात पर कि यह भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, क्योंकि बीजेपी न जाने क्यों ऐसे ही लोगों को स्थान देती है। मगर तेजेंद्र बग्गा बावजूद इसके, अगर पंजाब पुलिस ने आपके पिता के साथ बदतमीजी की है जैसा कि यह रिपोर्ट दावा कर रही है, अगर यह बहुत बड़ा अगर है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। तुम में और मुझ में फर्क यही है, तुम मेरे परिवार पर हमला बोल सकते हो, तुम्हारा प्रचार तंत्र उनके बारे में अनाप शनाप अश्लील टिप्पणियां कर सकता है, मगर अगर तुम्हारे पिता के साथ बदतमीजी हुई है तो ये अपने आप में बहुत ही गलत है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आज आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले कवि कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंच गई थी। बड़ा प्रश्न ये कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब की है, क्योंकि अब आपके हाथ में पुलिस है, क्या आप इसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करेंगे दूसरों पर हमला बोलने के लिए? यह सवाल अपने आप में बहुत जरूरी है। आप में और उन भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या फर्क रह जाएगा जो इसी तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ बेजा पुलिस का इस्तेमाल करती है? मगर एक बात तय है दोस्तों कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला होने वाला है। मसलन मैं आपको बतलाना चाहूँगा इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने, जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि तेजेंद्र बग्गा ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसके ज़रिए पंजाब में हिंसा भड़क सकती थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में मौजूद हैं वो पंजाब के अंदर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस राज्य में शांति बहाल रखने की कोशिश कर रही है। जनता देख रही है कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ऐसे गुंडों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। यही नहीं, आज जब हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया, तब उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास तो पूरे दस्तावेज हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हो? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। यह आपके सामने वो खत है, वो खत लिखा गया है पंजाब द्वारा हरियाणा को, जब उन्होंने रोका था पंजाब पुलिस की गाड़ियों को जिसमें तेजेंद्र बग्गा ले जाया जा रहा था।
पंजाब पुलिस ने कुरुक्षेत्र पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा है कि तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश किया जाना है। बग्गा की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई है और अदालत में पेश करने के लिए छोड़ा जाए। बड़ा प्रश्न ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं या पत्रकारों को भाजपा की पुलिस इस तरह से गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल में समय बिताना पड़ता है या कम से कम अदालत जाना पड़ता है, तो क्या तेजेंद्र बग्गा को भी उस प्रक्रिया से नहीं निकलना चाहिए? मैं स्पष्ट कर दूं, अगर तेजेंद्र बग्गा के पिता के साथ बदतमीजी हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इससे पता चलता है कि पंजाब पुलिस की क्या नियत थी कि आप उनके पिता के साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं, उनके बुजुर्ग पिता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी दोस्तों अपने तेवर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ा दिए हैं। हाल ही में उन्होंने एक सर्वे किया था और वो सर्वे के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के करीब 11 लाख लोगों से बात की और इस सर्वे में साफ उभर कर आया है कि करीब 90 लाख लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और मवालियों की पार्टी है। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, सुनिए। हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हमले बोल रही है बीजेपी पर, और इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान कांग्रेस को है, क्योंकि धीरे धीरे राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रीय पार्टी की जो जगह है वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी छीनने का पूरा प्रयास कर रही है। साल के अंत में गुजरात और हिमाचल के चुनाव है। अगर गुजरात में, चलिए जीत तो दूर की बात, अगर नंबर दो की पार्टी भी बन गई आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बहरहाल एक बात तय है, फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज में पुलिस आपस में भिड़ रही हैं, चाहे वो दिल्ली और पंजाब पुलिस हो, चाहे वो असम और मिजोरम की पुलिस हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।